नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वीआई कंपनी की पोर्ट रिक्वेस्ट को कैंसिल कैसे करोगे। तो गाइस, यदि आपने भी अपना सिम किसी और कंपनी में पोर्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट डलवा दी है तो गाइस यहां पे जो है आप अपनी पोर्ट को यानी पोर्ट की रिक्वेस्ट को कैंसिल कैसे कराओगे। तो गाइस चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो गाइस आप वहां पर भी हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो आप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से भी पूरी मदद जरूर करेंगे। तो गाइस यहां पे जो यदि आपके पास वीआई का सिम है या बीएसएनएल का सिम है या एयरटेल का है या जियो का है, अदरवाइज आपके पास किसी भी कंपनी का सिम है और आपने जो है किसी भी नजदीकी रिटेलर के पास जाकर अपनी पोर्ट की रिक्वेस्ट डलवा दी है और गाइस यहां पे जो है यदि आप जो है नहीं चाहते कि आप उस कंपनी में जाए, आपका मन बदल गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है तो गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पोर्ट की रिक्वेस्ट को कैंसिल कैसे करोगे। तो गाइस इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाते हैं आपको कि आपको क्या मैसेज टाइप करना है और कहां पर वो सेंड करना है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल के मैसेज बॉक्स में। तो गाइस यहां पर जो है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी पोर्ट की रिक्वेस्ट जो आपने जनरेट की है उसको आप कैंसिल कैसे करा सकते हो। सबसे पहला तरीका तो गाइस मैं आपको मैसेज के जरिए बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, जो सा भी आपको आसान लगे आप उसको चुन लेना। तो इसके बाद गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको आपको सेंड करना होगा मैसेज 1900 पर। तो गाइस यहां पर जो है मैंने 1900 लिख दिया है, इसके बाद नीचे आना है एंटर मैसेज। तो गाइस यहां पर जो आपको मैसेज जो एंटर करना होगा यहां पर आपको लिखना होगा सी बड़े अक्षरों में लिखना है सब CANCEL। तो गाइस यहां पर हमने कैंसिल टाइप कर दिया है, इसके बाद स्पेस देना है आपको। गाइस यहां पर एक थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद जिस नंबर की आपने पोर्ट रिक्वेस्ट कैंसिल करनी है तो गाइस यहां पर उस मोबाइल नंबर को हम एंटर कर देंगे सही तरीके से। तो यहां पर गाइस मैंने जो है मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद तो गाइस यहां पर जो मैं टेम्परेली आपको दिखा रहा हूं करके, बट आपको यहां पर कैंसिल स्पेस अपना मोबाइल नंबर और यहां पर जो आपको 1900 लिखना है और ये जो है आपको अपनी सिम से सेंड कर देना है। ये गाइस उस सिम से करें जिसकी आपको पोर्ट रिक्वेस्ट कैंसिल करनी है। तो गाइस जब ये आपका चला जाएगा तो आपके पास कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आ जाएगा। ये हो गया गाइस पहला तरीका जिसके माध्यम से आप अपनी सिम की पोर्ट रिक्वेस्ट को कैंसिल करा सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया, यदि पोर्ट करने से पहले ये आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी पहला तरीका। इसके बाद गाइस आपको दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, इसके लिए गाइस आपको करना क्या है, अपनी उसी सिम से 198 पर कॉल करनी होगी और कॉल करके आपको कस्टमर केयर से बताना होगा कि सर मैंने इसकी पोर्ट की रिक्वेस्ट डलवाई है, अब मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूं, मैं अब जो है कंपनी नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो गाइस यहां पर जो है कंपनी वाले आपकी पोर्ट की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देंगे और यहां पर जो है आप जिस कंपनी में हो, यदि वीआई में हैं तो वीआई में रहेंगे, यदि आप एयरटेल में ही हैं तो यहाँ पर जो है एयरटेल में ही रहेंगे, यदि आप किसी भी कंपनी में बीएसएनएल में हो या जियो में हो तो गाइस यहाँ पर जो आप उसी कंपनी में बने रहोगे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।